अब इस नथिंग फ़ोन की हाइप तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन क्या ये इस हाइप के लायक है या नहीं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और अनबॉक्सिंग रिव्यू के साथ साथ इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताने वाला हूँ वीडियो में। चैनल कर लेना सब्सक्राइब। इसके जो फाउंडर हैं दोस्तों वो ये हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और इनका जो नाम है दोस्तों वो है कार्ल पाई। अब नाम कैसे बोलना है आप देख लेना, लेकिन इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं अगर आपको बता दूँ तो थोड़ा सा टाइम में पीछे चलेंगे। और अनबॉक्सिंग रिव्यू से पहले आपको बता देता हूँ, ये हैं 2014 में जो वन प्लस कंपनी आई थी उसके को फाउंडर। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा वीवो, रियलमी, वन प्लस, ओप्पो, आईक्यू, ये सारी की सारी बीबी की इलेक्ट्रॉनिक्स की ही कंपनीज हैं। तो इस बार जो नथिंग है वो इन कंपनीज के थ्रू तो नहीं है, अलग है, लेकिन इन्हीं का कुछ हिस्ट्री है इस फ़ोन के अंदर। आखिर लिंक तो है ही है ये वन प्लस के साथ किसी तरीके से। इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो बॉक्स है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा वन प्लस की याद दिलाता है, पतला सा बॉक्स है, स्लिम सा, लेकिन काफ़ी अलग है ये फ़ोन दोस्तों, बाकी फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा अलग है, सब कुछ बताऊँगा। अब जो चीज़ें हैं वो तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो अलग है। कैसे, इसकी जो सिम इजेक्टर टूल है वो भी अलग है। ये फ़ोन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो ग्लिम्फ करके एक फीचर दे रखा है इन लोगों ने। इसके ऊपर आप जो एक दूसरा नथिंग फोन अगर आप रखोगे तो उसको इस फोन से चार्ज कर पाओगे, या इनके जो ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं 7000 रुपए के उसको भी इसके ऊपर आप रख के चार्ज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, नोटिफिकेशन टाइम पे बहुत अलग अलग तरीके की लाइट्स यहाँ पे जलती हैं, तो इन चीज़ों का मजा तो मिलने ही वाला है। साथ में यहाँ पे पोर्ट्स की बात करूँ तो जिस रेंज में ये आया है उस रेंज में 3.5 mm जैक केवल वीवो की कंपनी देती है, इस फोन में भी नहीं है वो जैक। बाकी आपको कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे कोई 4-5 कैमरे नहीं लगाए हैं, काम के 2 कैमरे लगा रखे हैं इन लोगों ने 50+ megapixel के यहाँ पे। बाकी आपको डिस्प्ले के मामले में बताऊँ तो दोस्तों 500 nits की नॉर्मल और 1200 nits की पीक डिस्प्ले मिलती है, धूप में देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एमोलेड डिस्प्ले है 6.5 inch की फुल HD के साथ, 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट है और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट। बाकी वीवो के फ़ोन्स की तरह इसके ऊपर भी आपको सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनका फ़ोन्स है दोस्तों वो काफ़ी अलग है, डॉटेड फ़ोन्स मिलते हैं हर जगह पे, आपको डॉटेड देखने को मिलेगा। बाकी प्रोसेसर की बात करूँ तो कोलकॉम स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर है, और इसकी जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर से आप देख सकते हो 6 लाख के काफ़ी करीब है। और इसी प्राइस रेंज में आने वाले आईक्यू नियो 6 और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनके अंदर 865 के प्रोसेसर हैं, तो इसके अंदर प्रोसेसर थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन जो प्रोसेसर है इसके अंदर दोस्तों वो बड़े ही कमाल का है। आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो इस फ़ोन के अंदर। और बाकी आपको बता दूँ बाकी फ़ोनों से तो अलग इसको बनाता ही है इसका जो ग्लिम्फ फीचर है। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी इसके अंदर, जिसको आप 33W के साथ चार्ज कर पाओगे और 15W के साथ वायरलेस चार्ज कर पाओगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हो 32,000 रुपये में आपको 128GB वाला वेरिएंट और 38,000 रुपये में 12/256GB वाला वेरिएंट मिलता है। अब इस प्राइस सेगमेंट में और भी बहुत सारे फोन्स हैं, लेकिन ये जो नथिंग फोन आया है इसने अपने आप को डिफ्रेंशिएट करा है अपने इस ग्लिम्फ फीचर से। देखेंगे आगे और भी कितने फ़ोन आ रहे हैं इनके। बाकी मार्केट में यहाँ पे इंडिया में बता दूँ इनके सर्विस सेंटर्स भी अवेलेबल हैं। आपका क्या इसके ऊपर भरोसा बन रहा है आप बताना, और वन प्लस के कनेक्शन के बारे में आपको क्या कहना है वो भी जरूर बताना, कॉमेंट करना। अपने सब्सक्राइबर्स के कॉमेंट का हम जरूर रिप्लाई करते हैं। चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले किसी काम के अटैक की वीडियो में।